माँ क्या बात है रेवती, क्या हुआ? होना क्या है माँ, आपके इन लाड्डू ने एक नया गुल खिलाया। क्या बात है? आप अनाथालय चलाती हैं? खत लिखे जा रहे हैं मेरे बेटे के नाम, और इन लड़कियों की इतनी हिम्मत मेरे ही घर में आके मेरे ही सामने मेरे ही बेटे को ये चिट्ठी भी दी जा रही है। किसने ये चिट्ठी लिखी है, किसने जाके दी है, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि यही की कोई लड़की है? क्योंकि मैंने देखा है। लेकिन ये खत तो अंग्रेजी में लिखा है, और यहाँ की बहुत कम लड़कियाँ अंग्रेजी जानती हैं। ये तो और भी अच्छी बात है ना माँ, जो बच्चे अंग्रेजी जानते हैं उन्हें हम इनके सामने ले आते हैं। मुझे अपनी बच्चियों पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए आप देख लीजिए सबको एक बार। आइए जी। क्या इनमें से कोई है? वो क्या है ना, उस वक्त मैंने आंखों पे चश्मा नहीं पहना था, इसलिए शक्ल पहचान में नहीं आ रही है। लेकिन इतना तो मैंने देख लिया था कि लड़की कुछ 15-16 साल की थी, इसके जितने थी, लेकिन शक्ल पहचान में। कोई बात नहीं, शक्ल पहचान में नहीं आ रही है ना, लेकिन हैंडराइटिंग तो हम मैच कर ही सकते हैं। एक काम करो, अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स लेकर आओ। हाँ यहाँ जल्दी से। मिल गया माँ। ईशा ये तुमने लिखा है? हाँ चेतना आंटी। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ये कर सकती हो। देखिए चेतना जी, आप इस बात को इतना हल्का मत लीजिए, इसने बहुत बुरा किया है और इसको जब तक सजा नहीं मिलती मैं चुप नहीं रहूंगी। ईशा को इसके किए की सजा मिलेगी, इसे यहाँ से जाना होगा। आपने मेरी बात सुनी भी और उस पर कार्रवाई भी की, अब मैं चलती हूँ। ईशा तूने बताया क्यों नहीं कि वो चिट्ठी तेरी नहीं थी? सब अपने ऊपर ले लिया तूने, क्या जरूरत थी, बताना चाहिए था ना। रुक जा, मैं अभी जाके चेतना आंटी को बताती हूँ। वृंदा दीदी ऐसा मत करो। वृंदा दीदी मेरी ईशा तू मुझे छोड़कर जा रही है? नहीं ईरा, तू मुझे नहीं छोड़कर जा सकती। नहीं ईरा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नहीं ईरा, मैं नहीं जा रही हूँ। ईरा मेरी ईशा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी तुझे। मैं कुछ सीखने जा रही हूँ, और सीखना तो अच्छी बात होती है ना। तो फिर तो यही सीखना अपनी ईरा के साथ। नहीं ईरा, चेतना आंटी मुझे एक बहुत अच्छी जगह भेज रही है। तुम लोगों को क्या लगता है, ईरा बड़ी हो गई है, अपना काम खुद कर सकती है? हाँ हाँ, ये तो बड़ी हो गई है। अरे नहीं नहीं, वो अकेले नहीं रह सकती, वो तो छोटी बच्ची है। मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं रह सकती हूँ। मेरी ईशा ने मुझे सब कुछ सिखाया है।